बैक टू माई चैनल। तो हनी सिंह की एल्बम हनी 3.0 का नया गाना आ चुका है कुले कुले, और ये आया है अपाचे इंडियन के साथ, जिनको वो अपना गुरु भी मानते हैं, और जी म्यूज़िक ओरिजिनल्स पे आया सॉन्ग। और इसमें मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि कुछ टाइम से इनकी ना टीम थोड़ी सी चेंज हो रही है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। इसमें जिन्होंने म्यूज़िक दिया है वो है जयमीत, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ अभी जयमीत का नाम। यूजुअली मैंने हनी सिंह का ही देखा है और बेस योगी का देखा है, तो अभी थोड़ा सा चेंज है और ये गाना बहुत डिफरेंट भी होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। और कुछ नया होगा इसमें, इसके पोस्टर देखकर लग रहा है थोड़ा अलग सा टाइप का। और हनी सिंह का फ्लेवर तो हर गाने में होता ही है, और इसमें अपाचे इंडियन भी है, तो आई एम वेरी श्योर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये गाना। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आई नो आप लोगों ने गाना देख लिया होगा, मेरे साथ एक और बार देख लो। और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। लेट्स प्ले। गई लाइट। You're my true love. Honey singer, an Apache Indian, all about true love. You're my true love. अच्छा लग रहा है। Honey, 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 दिल मेरा तड़के, आँख मेरी फड़के, जादू देखा तेरे वल हड़के, मुंडा आया तेरे पीछे तड़के, कर लड़के, फिर भी तू सुन ली ना गल। ताड़ी भी दवर की वाक नी तेरी डाक नी लोर चार दिया तेरी जीवे पंग जटिए नी तेरे कूड़े 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 अंग जटिए है दौड़ दी मलाई जे हर रंग जटिए है घर की रतानू बड़ा तंग जटिए नी तेरी वंग जटिए नी जीए मंग जटिए नी तेरे कूड़े 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 अंग जटिए है दौड़ दी मलाई जे हर रंग जटिए है घर की रतानू बड़ा तंग जटिए नी तेरी वंग जटिए नी तेरे कूड़े 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 रंग जटिए है दुध दी मलाई जे हर रंग जटिए है घर की रतानू बड़ा तंग जटिए नी तेरी वंग जटिए नी की वंग जटिए नी तेरे कूड़े 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 रंग जटिए है दुध दी मलाई जे हर रंग जटिए है घर की रतानू बड़ा तंग जटिए नी तेरी वंग जटिए नी की वंग जटिए नी तेरे कूड़े 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 रंग जटिए है। तेरे कूड़े 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 रंग जटिए है दुध दी मलाई जे हर रंग जटिए है घर की रतानू बड़ा तंग जटिए नी तेरी वंग। नाइस, बहुत अच्छा गाना यार। मुझे सबसे अच्छा इसका ना जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में कुछ टिंग 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 करके कुछ तो इंस्ट्रूमेंट था वो बज रहा था, बहुत मतलब उसी टाइम लग गया था कि बहुत फाड़ू गाना होने वाला, और सच में बहुत अच्छा है और दोनों इतने अच्छे लग रहे। पता है मुझे इस गाने को देख के किसका वाइब आ रहा था, जैसे वो वाला गाना नहीं आया था
जिसमें हनी सिंह सब लोग थे, जे स्टार वाला कौन सा गाना था यार, याद नहीं आ रहा मुझे, जे स्टार मुंदड़ी बनाए फिरे, उस वाले का वाइब आ रहा था मुझे प्रॉपर। मतलब ना थे इसमें दो लोग, हनी सिंह थे और अपाचे इंडियन थे, बट जिस तरीके से गाने को दिखाया भी गया ना वीडियो, वीडियो मुझे उसकी तरह लग रहा था प्रॉपर, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वैसी बीट्स भी आ रही थी, तो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब मेरे को लगता है कि 3.0 एल्बम में अभी तक ऐसा गाना नहीं आया है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे को म्यूज़िक ही सबसे ज़्यादा सा कैची लगा, दूसरा मुझे उसकी लिरिक्स बहुत अच्छी लगी। अपाचे इंडियन ने जो गाया, ऑनेस्टली मुझे एकदम से समझ में आएगा नहीं रैप, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रैप नहीं सुनती, भयंकर वाला। मतलब हनी सिंह का रैप तो मुझे आ जाता है समझ में, बट उन्होंने जो गाया था आई थिंक वो इंग्लिश में भी था शायद, और समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन जब उन्होंने रैप करना शुरू किया, वाओ, मतलब पता लग गया कि क्यों हनी सिंह इनसे इंस्पायर होते, क्यों उनको अपना गुरु मानते, बिकॉज ही वॉज लुकिंग सो, और दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं दोनों, बिल्कुल हिप हॉपर्स प्रॉपर होते हैं ना जैसे वैसे दिखते हैं। और कॉस्ट्यूम्स जो इनको पहनाए हुए हैं गाने में बहुत अमेजिंग है, जिस तरीके से पूरा स्टोरी बनाया गया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और गाने का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है, जो जो एंगल्स ले रखे हैं पूरे, जो अपाचे इंडियन का जो रैप हुआ उसमें जो क्लोज एंगल्स ले रखे थे वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, हनी सिंह के जो एंगल्स ले रखे वो भी बहुत अच्छे लगे। मतलब बहुत तगड़ा है, अभी तक मुझे 3.0 में ऐसा म्यूज़िक और ऐसा गाना नहीं देखने को मिला है। तो अब मुझे थोड़ा इस गाने से ना मुझे सच में हनी सिंह वाला वाइब आ रहा है, जो पुराने गानों का आता था प्रॉपर वही, और इन्जॉय कर रहे हैं अपने गाने को अपने ही, जैसे हनी सिंह का एक अपना एलिमेंट है ना, मस्ती मजाक ये वाला ऐसा वाला, वही है इसमें पूरा। और बीच में उन्होंने अपना हेयर स्टाइल भी दिखाया था, बहुत तगड़ा हेयर स्टाइल लग रहा है उनके ऊपर बाय द वे। और बस ओवरऑल मुझे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो भी बहुत अच्छी लगी, और हनी सिंह का ऐसा कोई गाना नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लग सकता, पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा अच्छे लगते हैं, उतना आप उसको उम्मीद नहीं करते हो, लेकिन दिस वॉज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग था। बस आज की वीडियो इतनी है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट करना, शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो विच इज़ कीर्ति चंद, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।